आप संविधान को मानते हैं नहीं, हाँ या ना? क्यों नहीं मानता हूँ? नहीं मानता हूँ। क्या मानते हैं आप? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस देश के संविधान कानून में। सबको गोली मार दो, खत्म करो, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है खत्म कर दो उसको, सीधा सी बात है, क्योंकि ये एक ब्लड कैंसर है सनातन धर्म। नहीं नहीं, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं। कोई आकर के आपको थप्पड़ मार दे, ऐसा ना हो, या कोई कुछ कह दे, आप किसके पास जाएंगे? मैं कानून के पास नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? हम मैं महात्मा गांधी ने एक थप्पड़ मारेगा, मैं दूसरा भी गाल कर लूंगा, अगर हाथ उठाएगा तो हाथ काट दूंगा, बात खत्म। और अपने सनातन धर्म के लिए हम कुछ भी करेंगे, 10 करोड़ क्या 10 अरब भी इकट्ठे करेंगे फिर हम संविधान को हम नहीं मानते। नहीं मानते संविधान को? नहीं मानते। आज जिस महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं, उस बापू ने इस देश का नाश कर दिया, और जिस चाचा को हम नेहरू कहते हैं, उसने इस देश का नाश कर दिया। क्या किया राष्ट्र के लिए? उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद देश की राजनीति लगातार गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बाबा सामने आता है, कहता है कि जो उदयनिधि स्टालिन का सिर काट के लाएगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। मैं आज अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ, मेरे साथ दो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि भगवे रंग में हैं, और इन लोगों ने पोस्टर लगा रखा है, सनातन विरोधी नेता का सिर ले आओ और 10 करोड़ रुपये ले जाओ। क्या परिचय है आपका सर? मैं सनातनी क्रांति वीर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या नाम है? मेरा नाम रामवीर सिंह है। रामवीर सिंह एक बात बताइए, 10 करोड़ रुपए की बात आप लोग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपए आएगा कहाँ से, सिर लाने की बात जो आप कर रहे हैं? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें भी अपना सनातन धर्म प्यारा है, हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है, और हमारे लिए हमारा राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि है, और अपने सनातन धर्म के लिए हम कुछ भी करेंगे। हमें किसी के मजहब से या किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई राजनीति करे जो मर्जी करे, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर कोई हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जाएगा, गलत बोलेगा, गलत व्यवहार करेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 10 करोड़ क्या 10 अरब भी इकट्ठे करेंगे फिर हम? सही और गलत का जो फर्क है, अंतर है, आप कैसे डिसाइड करते हैं सही ये है गलत ये है? नहीं सही गलत, देखो गलत हम कभी, हम सनातनी हैं और हम समस्त जो भी मजहब है या कोई भी पंथ है, हम सभी को अपने साथ लेके चलते हैं, कभी किसी से कोई दुर्वेश भावना नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे, हम 1 अरब 96 करोड़ साल से हमारी सनातन संस्कृति चलती आ रही है, और आज जो हमारे धर्म में से निकल के या पार्टियां बनाई गई है लोगों को, और आज वो हमारे धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो हम बर्दाश्त थोड़ा ना करेंगे। हिंदू है सनातन ना, हिंदू सनातन एक ही चीज़ है, तो अलग कोई नहीं है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिंदू जो शब्द है वो सांस्कृतिक शब्द है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। सनातन, योगी आदित्यनाथ का बयान सुना सकता हूँ मैं आपको? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, देखो हिंदू अलग चीज़ है, जो हमारी सिंध ये पड़ता है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, तो हिंदू शब्द का वहाँ पे कोई है कुछ, वहाँ से उत्पत्ति हुई थी इसकी, हिंदू शब्द की। लेकिन हमारा तो जो है वो सनातनी धर्म है, असली जो है सनातनी है, असली जो है धर्म सनातन धर्म है। लेकिन एक बात बताइए, सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर बराबरी का सबको अधिकार है? हाँ, सबको, हम सबको सम्मान दिया, हमने कभी किसी किसी दुर्भेष भावना नहीं की है, सबको सम्मान दिया। हाँ। आप क्या ब्राह्मण हैं? नहीं नहीं, मैं ना तो मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, सबसे पहले मैं सनातनी हूँ, उसके बाद में मैं सब कुछ हूँ। लेकिन लोग, संविधान कहता है कि 4 कैटेगरी है, SC ST OBC और जनरल। नहीं 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 नहीं, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र और वैश्य, वो जो संविधान, अगर बराबरी का अधिकार है सनातन धर्म में, तो कितने दलित किसी मंदिर के पुजारी हैं, कितने दलित राम मंदिर जो अयोध्या बन रहा है उसका ट्रस्टी है? सर देखो, आपने संविधान की बात की थी, हम संविधान को हम नहीं मानते। नहीं मानते संविधान को? नहीं मानते हैं। हम संविधान को क्यों नहीं मानते हैं, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा। जब यहाँ पे हमारे देश में, हिंदुओं के देश में रहते हुए, जम्मू कश्मीर से 1990 में 7 से 10 लाख हिंदुओं को निकाल दिया जाता है, हमारे देश में कानून भी था, आर्मी भी थी, सुप्रीम कोर्ट भी थे, हाई कोर्ट भी था, सत्ता भी थी, सब कुछ था, तो कहाँ, कौन मानता है बताओ? मतलब हमारा, हमारे साथ में गलत काम होता है, हमें, हमारे पर, हमारे देश में रह के हमें, मतलब पीड़ित किया जाता है, और बाद में जब हम कुछ बोलते हैं तो संविधान को हमारा गिरा देते हैं। संविधान को हम सिर्फ सनातनी मानते हैं, बाकी कोई नहीं मानता है।
आप संविधान को मानते हैं नहीं, हाँ या ना, क्योंकि आपने पहले कहा आप संविधान नहीं मानते। नहीं मानता हूँ, नहीं मानता। क्या मानते हैं आप? मैं अपने भागवत गीता को मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी को मानता हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ। कोई आकर के आपको थप्पड़ मार दे, ऐसा ना हो, या कोई कुछ कह दे, आप किसके पास जाएंगे? मैं कानून के पास नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएंगे? अब मैं महात्मा गांधी ने एक थप्पड़ मारेगा, मैं दूसरा भी गाल कर लूंगा, अगर हाथ उठाएगा तो हाथ काट दूंगा, बात खत्म। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस देश के संविधान कानून में। सरे आम देश के अंदर यहाँ पे दिल्ली के अंदर आपको आपको जेएनयू में आपको घटना होगी, 13-14 की घटना है, हिंदुओं की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। क्या कानून उनके लिए नहीं था? क्या संविधान उनके लिए नहीं था? क्या हमारे देश के अंदर हमारे देवी देवताओं को गाली लागू होना चाहिए? नहीं है? मनुस्मृति सबको गोली मार दो, खत्म करो, जो भी देश के खिलाफ बोलता है, सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है, खत्म कर दो उसको, सीधा सी बात है, क्योंकि ये एक ब्लड कैंसर है सनातन धर्म है। नहीं नहीं, जो सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं और जो इस देश के खिलाफ बोलते हैं, हाँ, जो गलत बोलते हैं। अब एक बात बताओ, हमारे देश के अंदर देश की राजधानी है, राष्ट्रपति यहाँ पे, प्रधानमंत्री यहाँ पे, सारी सत्ता पार्लियामेंट यहाँ पे बैठे हैं, और इस दिल्ली के अंदर हिंदुओं की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, पूरी मीडिया को, पूरे सबको पता है। मतलब किसने उनको परमिशन दी, किसने उनको अथॉरिटी दी बोलने के लिए? क्या आज तक हिंदुओं ने, हम सनातनियों ने कहा है कि मुसलमानों की कब्र खुदेगी या ईसाइयों की कब्र खुदेगी या किसी और समुदाय की कब्र खुदेगी? बोला है कभी किसी ने? आगे बढ़ते हैं, हम कभी भारत कुछ नहीं बोलते। इंडिया को, हिंदुस्तान को क्या हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? मैं कह रहा हूँ हिंदू राष्ट्र इसको अब से पहले बना देना चाहिए था। जिस टाइम विभाजन हुआ था, जिस टाइम हमारे देश का विभाजन हुआ था, उसी टाइम इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना कर देना चाहिए था, क्योंकि बांग्लादेश इससे निकला, पाकिस्तान इससे निकला है। जब वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो सकते थे उस टाइम, तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया है? इसको धर्मशाला क्यों बना दिया है? आज जिस महात्मा गांधी को हम बापू कहते हैं, उस बापू ने इस देश का नाश कर दिया, और जिस चाचा को हम नेहरू कहते हैं, उसने इस देश का नाश कर दिया। क्या किया राष्ट्र के लिए? आंतरिक मानस मानते हैं? हाँ, सब कुछ मानता हूँ मैं। संविधान नहीं मानते? लेकिन नहीं, संविधान नहीं मानता हूँ मैं। भागवत गीता को मानता हूँ, भगवान श्री कृष्ण जी को, भगवान श्री राम जी को मानता हूँ। वहाँ पर बराबरी का अधिकार है? कहाँ पे? जो रामचरितमानस गीता है, जो बराबरी का अधिकार दिया गया सबको। भाई साहब, अगर बराबरी का अधिकार ना देते तो आज जो 25-30 करोड़ हो चुके हैं ये ना होते। हमारा धर्म हमें सिखाता है सबको साथ लेके चलना, और हम सबको साथ में लेके चले हैं। हमने कभी भी, एक बात देखो, सबरी के झूठे बेर किसने खाए थे? भगवान श्री राम जी ने खाए थे। सबरी कौन थी? एक मतलब छोटी कास्ट से थी। सर कितने पढ़े लिखे हैं सर आप? कितने पढ़े लिखे? 10+2। हाँ, प्लस टू। अच्छा, 12वीं तक पढ़ाई की है आपने, उससे आगे पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं किया सर? उसके आगे आप क्यों पढ़े लिखे नहीं? नहीं नहीं, मैं उससे आगे मैं जानबूझ के नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि हमें उस सर आपके पास संविधान है, संविधान मानते नहीं? देखिए, संविधान को मानते हैं, स्वीकारते हैं, तभी तो हम सनातनी विश्व धो कुटुंब कुंभ का नारा लगाते हैं। कोई भी यहाँ पर आता है, व्यापारी हो, लुटेरा हो, भिखारी हो, शरणार्थी हो, कुछ भी आता है, ये महान भारत भूमि ने, सनातन ने सबको गोद में बैठाया है, सबको अपना मानना है, सबको अपना पिता। तो कह रहे, मैं संविधान मानता ही नहीं, साफ तौर पे कह रहे हैं। नहीं, संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो सनातन विरोधी हैं, और विधर्मियों को उठाने का और सनातनियों को दबाने के कुछ ऐसे पॉइंट हैं। उन पॉइंटों पे रामवीर भगत जी बातचीत कर रहे हैं, और एक वीडियो में सब डिस्कशन नहीं हो सकता है। हमारा जो आज का जो मूल मुद्दा है, आज का जो उद्देश्य है, आप उस पर चर्चा करें, हम उस पर खुले दिलो दिमाग से चर्चा करना चाहते हैं। 10 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे आप लोग सर? 10 करोड़ रुपये, हम इसका कहने का तात्पर्य ये है कि 1876 से लेकर 1947 और 1947 से लेकर 2023 तक माँ भारती ने अपनी छाती पर अनेक जख्म खाए हैं, और अनेक अपनी कीमत चुकाई है। उसके बाद भी भारत सनातन संस्कृति और मानवीय मूल्य सुरक्षित नहीं है। उसके बाद आ जाता है संविधान। संविधान को जब 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हो गया, इसके प्रस्तावना की 6 बातें हैं। अगर इन 6 बातों को भी लागू कर रखा हो किसी ने, तो हम उन संविधान लिखने वालों को, लागू करने वालों को, इनके संविधान के ठेकेदारों को, हम सब को मानेंगे। हम भारत के लोग
प्रभुता संपत्ता समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र गणतंत्र न्याय स्वतंत्रता समानता बुद्धिमत्ता ये 10 बिंदु हैं। 10 बिंदुओं में से कौन से बिंदु पे देश चल रहा है एक वो बता दो। शासन प्रशासन 47 से लेकर आज तक जिसने जितनी भी पार्टियों ने राज कराया है जितने भी परिवारों ने राज कराया है वो सब के लिए खुला चैलेंज करूँ अगर भाई भारत भूमि को न्याय किसने दिलवाया है वो सामने आए। अब हम इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद भी जब हमारी सत्य सनातन संस्कृति को कैंसर बताया जा रहा है डेंगू बताया जा रहा है मलेरिया बताया जा रहा है ऐसे मानसिक रोग की राजनेता बनकर बैठ गए इस देश पे तो सनातनियों का कहाँ भला होगा। इसमें साफ तौर पर दिखा हुआ है कि 8-10 टुकड़े हो चुके हैं। अब इस भारत भूमि के टुकड़े होंगे तो सनातनी कहाँ जाएंगे। चाइना घुसता आ रहा है मोदी जी जो है मौज कर रहे हैं। मोदी जी कैसे मौज कर रहे हैं आप ये बता दो। मोदी जी की मौज हम छीन लेंगे। मोदी जी को बैठाने के लिए हमने एड्डी चोटी का जोर लगा रखा है। मोदी जी हमारे देश से और हमारी सनातन संस्कृति से ऊपर ना है कोई नहीं होया है धरती पर सब इससे नीचे नीचे आएंगे। देश गोडसे का है गांधी का है ये गोडसे बद दोनों का है। गांधी भी पैदा हुआ गोडसे भी पैदा हुआ। गांधी के जो ठीक काम थे समर्थन के लिए जब उनके गलत लगे गए तो उनको भाई उसका विरोध भी हुआ। तो जो एकता के काम होंगे भाईचारे के काम हुए अच्छे लगेंगे। और आपने जो सवाल कराया उसकी बात सुनो गांधी जी जो ताकतवर चतुर लोग थे ना उनकी ताकतों की कठपुतली बने रहे हैं। जो सनातनी बहुसंख्यीय और जो प्यार प्रेम प्रीति की भाषा जानते थे उनको उन्होंने अपने उंगलियों पर नचाया है। तो जिसने समानता की बात नहीं करी सत्य की बात नहीं करी न्याय की बात नहीं करी और सबके कल्याण की बात नहीं करी हम उसको ना तो महान आदमी मानेंगे ना को महात्मा मानेंगे। अगर मुंह देख टिक्का करेगा तगड़ा है ये इतना मार देगा ये हिंसक है तो उसके तो पैरों में चला जा। और जो अहिंसावादी है उसके कमर में धोखे की कील ठोक देवे और तो ये कोई मानवता तो नहीं कहती। मोदी ने नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें।